बचपन में जंगल से लकड़ियां उठाकर लाने वाली मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में 202 किलो का वजन उठाया। उन्होंने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता और जीत के बाद एक इंटरव्यू में मीराबाई ने कहा कि वह घर लौटने के बाद पिज्जा खाना चाहती हैं। डोमिनोज के इस फौरन प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने पूरी जिंदगी फ्री पिज्जा देने का वादा किया। लौटने पर डोमिनोज ने न सिर्फ पिज्जा भिजवाया बल्कि चानू के साथ एक कमर्शियल डील भी की। ब्रांड की तज्जो पाने वाली मीराबाई चानू अकेली ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं है। नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु, रवि दहिया और अन्य मेडलिस्ट को दर्जन भर ब्रांड अप्रोच कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस खिलाड़ी को किस ब्रांड ने अप्रोच किया है और ओलंपिक से पहले और बाद की एंड्रोमेंस फिट में कितना अंतर आया है और इन एथलीट के साथ ब्रांड लंबे वक्त का करार क्यों करना चाहती है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं हम नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा के ब्रांड वैल्यू 10 गुना बढ़ोतरी देखने को मिला है और नीरज को मैनेज करने वाली फर्म JSW के CEO मुस्तफा गौस का कहना है ये बढ़ोतरी उनकी मेल और नॉन क्रिकेटिंग अचीवमेंट के वजह से हुई है। अभी तक मार्केट में या तो क्रिकेटरों का दबदबा था या PV सिंधु, मैरी कॉम और सानिया मिर्जा जैसी महिला एथलीट का। नीरज ने इस धारा को तोड़ा है और एक्सपर्ट का अनुमान है कि नीरज की सालाना ब्रांड एंडोर्समेंट फीस करीब 2.5 करोड़ रुपए है। ओलंपिक के पहले ये 20 से 30 लाख रुपए होती थी। अब जानते हैं पीवी सिंधु के बारे में। टोक्यो ओलंपिक के पहले भी पीवी सिंधु कई ब्रांड की फेवरेट रही हैं और सिंधु को मैनेज करने वाली कंपनी बेसलाइन वेंचर्स के यशंत बियाला के मुताबिक कई नए ब्रांड ने सिंधु को अप्रोच किया है और कम से कम 2 से 3 साल का करार करना चाहती हैं। सिंधु इकलौती भारतीय महिला हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं और उनकी सालाना एंडोर्समेंट फीस 60 से 70% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब जानते हैं मीराबाई चानू के बारे में। मीराबाई चानू को मैनेज करने वाली कंपनी IOS स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राहुल नत्रेन का कहना है कि मेडल जीतने के बाद चानू के पास कई ब्रांड के ऑफर हैं जिसमें स्टील, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवोकेट एनर्जी ड्रिंक्स, ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर भी शामिल हैं। फिलहाल चानू ने MA इंडिया, मोबिल इंजन आयल और एडिकॉस ग्लोबल के साथ करार किया है। नेत्रेन के मुताबिक चानू को मौजूदा एंडोर्समेंट फीस करीब 1 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा है। टोक्यो ओलंपिक के पहले ये 10 लाख के आसपास थी। अब जानते हैं बजरंग पुनिया के बारे में। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बजरंग पुनिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कमाल कर चुके हैं। वहां 3 मेडल जीतने वाले वो भारत के इकलौते रेसलर हैं। ओलंपिक से पहले भी उनके पास कई ब्रांड थे लेकिन मेडल जीतने के बाद दर्जन बन कंपनियां कतार में हैं। नीरज चोपड़ा की तरफ JSW फर्म मैनेज करती है बजरंग पुनिया को ब्रांड वैल्यू करीब 100% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं रवि दहिया के बारे में। रवि दहिया एक युवा खिलाड़ी, सिल्वर मेडल जीतने के बाद उनके पास भी कई ब्रांड के ऑफर आए हुए हैं। रेसलर सुशील कुमार ने जब ओलंपिक मेडल जीता था तो उनके पास भी कई ब्रांड्स के ऑफर आए थे। इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट का मानना है उनकी ब्रांड वैल्यू में करीब 60% तक की वृद्धि हुई है। इसके अलावा लवलीन ब्रैगोन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, उनकी ब्रांड वैल्यू में करीब 100% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को ब्रांड वैल्यू में करीब 150% की वृद्धि हुई है। ओलंपिक में शामिल होने के बाद कई एथलीटों की ब्रांड वैल्यू में काफ़ी वृद्धि हुई है। ये थी वो सारी जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।